सोलन शहर में स्ट्रीट फूड वेंडर प्रशिक्षण के बाद भी नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। इन सभी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई थी कि वे शहर वासियों को खाने के व्यंजन परोसते समय वे सफाई का ख्याल रखें, हाथों में ग्लव्स डालें, एप्रन और सर पर टोपी डालें, लेकिन वे नियमों को ठेंगा दिखाते हुए लोगों को गंदे हाथों से ही व्यंजन परोस रहे थे, जिस पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की और करीबन 25 फूड वेंडरों के चलान किए और उन्हें अंतिम चेतावनी दी कि वे नियमों का ख्याल रखें और शहरवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करें। अधिक जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त एलटी ठाकुर ने बताया कि जिन फूड वेंडरों के चालान किए गए थे उन्हें आज फिर से स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमों की जानकारी दी गई और बताया गया कि अगर वे फिर भी नियमों की अवहेलना करेंगे तो उनको दोबारा चालान किया जाएगा और उन्हें शहर में कुछ भी बेचने पर रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कार्रवाई इसलिए अमल में लाई गई है ताकि जाने अनजाने में कोई भी व्यक्ति शहर की सड़कों पर बिक रहे व्यंजनों को खाकर बीमार न हो जाए। सोलन में नशे के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोलन पुलिस करीबन प्रत्येक दिन नशे का काला कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। यही कारण है कि सोलन पुलिस अधिकारियों को हिमाचल रक्षक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज भी पुलिस ने एक नहीं बल्कि चार स्थानों पर नशे के तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। नशे के साथ पकड़े गए व्यक्तियों के पास से चिट्टा और चर्च बरामद की गई है। फिलहाल सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस उम्मीद कर रही है कि जल्द ही और भी तस्कर उनकी गिरफ्त में होंगे। पकड़े गए नशा तस्करों के बारे में खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि सोलन पुलिस ने कोटला नाला, जोनाजी रोड, सब्जी मंडी और कंडा घाट से नशे के साथ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रोहड़ू के क्षितिज घाटा से 1.23 ग्राम चिट्टा, सोलन के सन्नी कुमार से 2.73 ग्राम चिट्टा, चौपाल के भूपेंद्र मेहता, नरेश मेहता, पंकज काल्टा से चर्च बरामद की, वहीं कंडा घाट के नरेश कुमार से 7.67 ग्राम चरस बरामद की है। उन्होंने बताया कि सभी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि SP सोलन के निर्देशों के अनुसार नशे के खिलाफ उनका विशेष अभियान जारी है और उन्हें सोलन वासियों का बेहद सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते वे जल्द ही नशे के काले कारोबार को खत्म करने का प्रयास करेंगे। सोलन में योग भारती के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता योग भारती संस्थापक निवास मूर्ति ने की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आज के समय में सभी को बीमारियों ने घेर लिया है, इसके चलते रोगी ढेरों दवाइयों का सेवन करने में लगे हैं, जिसके चलते उन दवाइयों के कुप्रभाव भी उन पर लगातार देखे जा रहे हैं। दवाइयां लगातार मनुष्य का शरीर खोखला कर रही हैं और उम्र की औसत घटती जा रही है। इन सब दुष्प्रभावों से बचने का एक अच्छा माध्यम न्यूरोथेरेपी है। इस चमत्कारी न्यूरोथेरेपी के बारे में हिमाचल के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए योग भारती के संस्थापक निवास मूर्ति और चिकित्सक अजय गांधी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन में हिमाचल का पहला न्यूरोथेरेपी प्रशिक्षण केंद्र योग भारती द्वारा खोला जा रहा है, जहां युवाओं को न्यूरोथेरेपी की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि न्यूरोथेरेपी में बिना दवा के गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज संभव है, इसलिए आज के समय में न्यूरोथेरेपी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लोग दवाओं के दुष्प्रभाव से तंग आ चुके हैं और वे दवाओं से छुटकारा चाहते हैं, इसलिए सोलन में प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है। प्रशिक्षण पाकर युवा जहां लोगों को रोग मुक्त करेंगे, वहीं वे लोगों का इलाज कर अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं।